एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों ओकाया अपनी एक बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक स्कूटर 10 फरवरी को इंडिया में लॉन्च करने वाली है और ये है ओकाया फास्ट F3। ये इंडिया में लॉन्च होने वाली है 10 फरवरी को। उससे पहले इसकी लीक इमेजेस सामने आ चुकी हैं, इसके अलावा इसकी सारी स्पेक्स भी सामने आ चुके हैं। एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूं इस स्कूटर के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। तो सबसे पहले इसकी रेंज की बात कर लेते हैं, जो सबसे मेन हाईलाइट है। 130 से लेकर 160 किलोमीटर का आपको रेंज मिलने वाला है। डिपेंड करता है किस राइडिंग मोड पर आप राइड कर रहे हैं। टोटल 3 राइडिंग मोड्स मिलने वाले हैं। जो बैटरी कैपेसिटी होगी वो 3.5 किलोवाट आवर की होगी। लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरी का केमिस्ट्री होने वाला है और इसमें जो टॉप स्पीड आपको 70 किलोमीटर पर आवर की मिलेगी। डिजाइन आप देख सकते हो, जैसे कि अभी तक फास्ट की F4 आती है, लगभग वैसा ही डिजाइन आपको मिलने वाला है। कुछ छोटे मोटे चेंजेस के अलावा रिमोट की आपको मिलने वाला है और जो भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम और सारे फीचर्स जो पिछले स्कूटर्स में मिलते थे वो सारी इसमें आपको मिलने वाला है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल रहेगा और यहाँ पे इस स्कूटर की बात करें तो 200 वॉट की यहाँ पे आपको BLDC हब मोटर यहाँ पे इस स्कूटर में आपको देखने के लिए मिलेगा। प्राइस जो सबसे बड़ी हाईलाइट है, 1 लाख रुपये इसकी एक्सरूम प्राइस रखी जाएगी इंडिया में और ये 10 फरवरी को इंडिया में लॉन्च की जाएगी। क्या आप एक्साइटेड इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए? जरूर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वारंटी की बात करें तो यहाँ पे 3 ईयर्स और 30,000 किलोमीटर की आपको वारंटी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।